मोटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जितनी भी खवातीन शौकीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से अब जहां की खवातीन भी इनका हिस्सा बन सकती है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ हैं फैज डीजू साहब जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन एक्सक्लूसिव अब ये कश्मीरी वुमेन्स के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करूंगा। आप एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, आपको पहले शो में बड़ी कामयाबी मिली, अब बड़ा होने जा रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। सर, इस इवेंट के बारे में मैं बताना ये चाहूंगा कि ये एक पहली बार ऐसा एक मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होगा जिसमें सिर्फ खवातीन पार्टिसिपेट करेंगी। हमने इसमें एक टैगलाइन इस्तेमाल की थी विच इज बाई वुमेन फॉर वुमेन। सो द बेसिक आइडिया इज हम अपनी खवातीन हजरात को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ये उन सब खवातीनों के लिए है जो मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन है, गाड़ियों के शौकीन है। सो आज से पहले ये इवेंट कभी हुआ नहीं, उसका शायद ये भी एक रीजन था क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। सो हमने शायद कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज किया, एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं और जहां पे जो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं विच इज वेरी अमेजिंग। बहुत सारी खवातीनें हैं जिन्हें ऑलरेडी रजिस्टर किया है और अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है, रजिस्ट्रेशन आ रही हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाउसफुल। बहुत सारी ऐसी खवातीन भी है जो इस एक्टिविटीज में ना काफी शौक रखती है और सबसे ज्यादा एक प्रेरणा होती है, जो इंस्पिरेशन होती है। मैंने सुना कि नेशनल लेवल के कुछ ऐसे जो है वो भी यहाँ पे रहे, तो हमारे इन दर्शकों को तक पहुँचाए, वो उनसे ज्यादा इंस्पायर होके उनमें जो डर एक खौफ है यहाँ की जो वो नहीं कर पाते उन चीजों से, तो कौन कौन आ रहा है तो उसके बारे में बताइए। हमारे इस इवेंट में वी हैव बीन वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। सो हमारे इस इवेंट में जो FMSCI की चेयरपर्सन है ऑल ओवर इंडिया जो वुमेन्स मोटर स्पोर्ट्स को हेड करती है, सीता रैना नाम है उनका, she has specifically agreed and accepted our invitation to be here on this event. Uske alawa India ki one of the top racers Aman Jubal naam hai unka, she is also going to be present here. Aur Miss Aman Jubal, apart from participating, apart from being here, she is also very keen to interact with her women jo yahan motor sports mein hissa lengi aur unko do's and don'ts aur unko thode कायदे तरीके बताएंगे कि कैसे वो मोटर स्पोर्ट्स में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो मोटर स्पोर्ट्स में अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक छोटी बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, जो इंडिया की एक उभरती मोटर स्पोर्ट्स का चेहरा है, मुस्कान जुबाल नाम है उसका, शी इज ऑल्सो कमिंग हेयर स्पेसिफिकली फॉर दिस इवेंट। सर, जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से आपसे राबता कायम करें, किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करें और ये इवेंट कब होने जा रहा है इसके बारे में? सर, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने बड़ा सिंप्लीफाइड बनाया है। हमारी जो टीम है उनने बड़ी मेहनत करके इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बड़ा सिंपल बनाया है। कोई भी खवातीन जो इस इवेंट के लिए रजिस्टर करना चाहती है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह सकता हूँ कि वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं जो है JK मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन, एक ही वर्ड है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस पेज पे वो जाएं, हमारे इंस्टाग्राम के बायो में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके दे कैन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देयर इज अ नॉमिनल फीस ऑफ 1499 रुपीज। ये फॉर्म भर के दे कैन गेट रजिस्टर्ड और उसके बाद उनको सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स उनके फोन पे, उनके ईमेल पे हम भेजते रहेंगे। मेरे साथ में नबील अनवर मीर है। ये स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था पहला जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स क्लब अथॉरिटी की जानिब से, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी कम समय में। इनसे बात करेंगे सर, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आप फर्स्ट आए थे, पहला इवेंट हो रहा था और पहले इवेंट में आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, थोड़ा सा हमारे दर्शकों में शेयर। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये इवेंट हुआ था अभी एक महीना पहले अपना TRC नौगाम में। सो दिस इवेंट वॉज स्पॉन्सर्ड, आई मीन वॉज बाई JK मोटर स्पोर्ट फेडरेशन इन एसोसिएशन विद मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ बिग नेम लाइक इन मोटर स्पोर्ट्स। तो उसमें काफ़ी बढ़िया ट्रैक बनाया था, काफ़ी ट्रिकी ट्रैक था, तो हर किस्म की गाड़ियाँ वहाँ पे कम्पीट कर रही थी, तो ट्रैक में बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया ट्रैक था। और बाहर से हमारे नेशनल चैंपियंस आए थे जो उस ट्रैक पे पूरा जिन्होंने ब्रीफिंग दी, सबको ब्रीफिंग दी कैसे करना है, क्या करना है, तो बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा वहाँ पे। अराउंड हमारी मोर देन 100 कार्स थी जो पार्टिसिपेशन वहाँ पे आई, तो आउट ऑफ दैट आई वॉज द विनर इन 3 कैटेगरीज एंड ओवरऑल फास्टेस्ट कार इन द इवेंट। सो इवेंट तो बहुत बढ़िया रहता है, हम तो चाहते हैं कि मोटर स्पोर्ट थोड़ा कल्चर यहाँ पे आए, उससे क्या होता है कि अपना टूरिज्म जो है प्रमोट होता है एंड मोर पीपल टेंड टू कम हेयर। तो अब जैसे आपने सुना कि हमारा अभी जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है वुमेन्स का, तो उसमें बाहर से नेशनल रैलिस्ट आ रही हैं फीमेल,
तो दैट इज़ अ बिग थिंग, वो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं. तो आई थिंक एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस. बेसिकली क्या होता है, वुमेन थोड़ा शाई रहते हैं यू नो पार्टिसिपेशन के लिए. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बाहर भी रेसिस कर चुका हूँ, दिल्ली में कर चुका हूँ, वहाँ पहले वुमेन कम आती थी. आज की डेट में आप देखेंगे देर आर लॉट ऑफ वुमेन वो पार्टिसिपेट. जानना चाहूँगा कि डिस्करेज किया जाता है वुमेन जो ड्राइवर होते हैं, लेकिन जो इवेंट होने जा रहा है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए. बेसिकली डिस्करेजन ऐसे होती है कि वुमेन जब जाती है लाइक मर्द लोग होते हैं तो थोड़ा उनको शाइनेस आती है. तो हमारा जो ये वाला इवेंट है इसमें पर्टिकुलरली इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज. लेडीज का मतलब कि जैसे लेडीज है तो उनके साथ एक जेंट्स आएगा, उनका हस्बैंड होगा या भाई होगा, दैट्स इट. बाकी वहां पे जो भी ऑडियंस होंगी वो लेडीज होंगी, ताकि लेडीज अपना कंफर्टेबली अपना वहां ड्राइव कर सकें, अपना एंजॉय कर सकें और इस इवेंट को सक्सेसफुल बना सकें.